गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 8 पढ़ेंगे, पार्ट 8 पढ़ेंगे, जयपुर की सैर। बच्चों, ये एक पर्यटन स्टोरी है, पर्यटन कहानी है जयपुर के बारे में। जयपुर में कितनी ऐतिहासिक स्थान है, वहाँ कैसे कैसे रहस्य छुपे हुए हैं उसके बारे में है। वहाँ की एक और खूबी, वहाँ पे एक और ऐतिहासिक प्लेस, एक ऐतिहासिक प्लेस है हवा महल, उसके बारे में आज हम इस स्टोरी में बात करेंगे। इसमें बच्चों तीन बातें हैं, मीनू, मीनू के पापा और मीनू के चाचा। तो बच्चों, इस कहानी में ये है कि एक दिन मीनू के पास उसके चाचा का फोन आता है। मीनू मोबाइल लिए बात करते हुए और भागते हुए अपने पापा के पास गई। उसकी उसके चाचा से क्या बात हुई? उसके चाचा कहाँ रहते थे? तो जयपुर में रहते थे। उन्होंने फोन किया और उनको उन्होंने इसलिए फोन किया ताकि वो अपने भैया भाभी और मीनू को जयपुर बुला सके, मीनू के माता पिता को। तो मीनू से बात हुई तो उसके चाचा ने कहा कि मीनू, जयपुर आने की तैयारी करो, तुम्हें जयपुर आना है, मैं तुम्हें यहाँ पे हवा महल दिखाऊंगा। और मीनू का बड़ा मन था हवा महल देखने का। उसने आज तक कहानियों में ही सुना था, अपने चाचा से ही सुना था कि जयपुर में एक हवा महल भी है। हवा महल बहुत ही पौराणिक महल है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो उसके चाचा वो मीनू बात करते हुए और दौड़ते दौड़ते फूल लेके अपने पापा के पास गई और उसके पापा ने उसके चाचा से बात की और उसके चाचा ने भी फिर फोर्स किया उसके मम्मी पापा को कि अब आओ। उन्होंने जिद की कि आप आइए जयपुर। तो उसके मम्मी पापा का प्रोग्राम बना, हमारा ही कहीं अगर जाने का मन करता है तो हम जिद करते हैं मम्मी पापा से कि नहीं, मुझे जाना ही जाना है। मुझे नानी का समर वेकेशन होता है, गर्मी की छुट्टी, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे नानी के घर जाना है। पापा कहते हैं नहीं नहीं जाना है, मम्मी कहती है जाना है। तो जब हम किसी चीज़ को जिद करते हैं तो वो चीज़ मम्मी पापा हमारी पूरी करते हैं। उसी तरह मीनू भी है, उसको जयपुर जाना था हवा महल देखने के लिए, तो वो उसे अपने मम्मी पापा से जिद किया, उसके मम्मी पापा का कार्यक्रम बना और वो दिल्ली जाने, जयपुर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक कार किया, वो मुश्किल से 4-5 घंटे में उनको पहुंचा दिया गया। वो पहुंच गए जयपुर, अपने चाचा के यहाँ पहुँच गई मीनू। मीनू के चाचा जौहरी बाजार में रहते थे, वहाँ बस वहाँ पहुँच के उन्होंने हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स वगैरह या फिर नाश्ता वगैरह लिया और फिर शेयर करने के लिए निकल गए। वो लोग कार में बैठ गए फिर हवा महल देखने के लिए। आधे घंटे में वो हवा महल के सामने पहुंचे। हवा महल किस कलर का था? बिना भी बलुआ पत्थर का बना हुआ था, वो देखने से बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी खूबसूरती, जालियां बीच से उबर थे, ठीक है, उसकी खूबसूरती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि मीनू देखते ही रहे। उसने कहा कि आज तक मैं ऐसे फोटो में देखती आ रही थी, हम सब भी अभी तक फोटो में देखे, हम लोग तो कभी गए भी नहीं हवा महल देखने, हमने कहानियाँ भी पढ़ी है हवा महल के बारे में। लेकिन मीनू जब सामने, आप जानते हो जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं और अचानक से वो सामने आए उसको हम देखें तो एक मिनट के लिए हम दंग रह जाते हैं, उसको निहारते रह जाते हैं। वही मीनू कर रही थी। जब वो हवा महल के सामने पहुंची तो वो उसको देखते रह गए। मीनू का इंतजार खत्म ही हुआ था। मीनू करीब आधे घंटे के अंदर हवा महल के पास पहुंच गई और मीनू देखने लगी। वो बोली, इतनी प्यारी राजसी महल मैंने आज तक नहीं देखा, जिसके चारों तरफ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर लगे हुए थे। बलुआ पत्थर जो रेड में रहता है, जैसे अब पत्थर आते हैं ना, संगमरमर पत्थर होता है, मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स कहते हैं अपने, उसी तरह वो बलुआ पत्थर थे लाल और गुलाबी में। उसकी जालियाँ भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत थी,
जितने भी जैसे पहले जमाने बनता था तो सीढ़ी वाले घर में जाली बना रहता था, तो जालियाँ बनी रहती थी, वो भी बहुत खूबसूरत थे और बीच में भूबंद भी था, वो भी बहुत प्यारा था। तो आपने अभी तक देखा कि कैसे नीलू कहाँ से निकली, अपने घर से निकली और चाचा के पास पहुँची, वहाँ उसने कुछ खाया पिया और फिर वो लोग सैर पर निकल गए। कई घंटे बीतने के बाद मीनू जाकर हवा महल के पास पहुंची और उसको तसल्ली, सेटिस्फेक्शन हुआ, उसकी आंखों में ठंडक पहुंची कि वाह आखिर मैं तो चाहती थी वो आज मैं देख नहीं सकती। बच्चों इस स्टोरी में अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स बताए, आगे का स्टोरी बताऊंगी मैं।